सियासत के सबसे बड़े रण यानी कि लोकसभा चुनाव में अब तकरीबन 3 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। देश के तमाम विपक्षी दल इस चुनावी महाकुंभ में विजय का स्नान करने की तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसमें मीलों आगे दिखने की कोशिश में है। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन संबोधन में न सिर्फ बीजेपी की जीत का रोड मैप बताया, बल्कि सियासी ताव दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। मोदी ने फिर से एनडीए 400 पार का नारा दोहराया और अपने 10 साल के हिसाब किताब का लेखा जोखा देश के सामने पेश किया। हालांकि राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा में हर रोज बीजेपी और मोदी सरकार पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाकर वार कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने 200 से ज्यादा सीट जीतने की चुनौती दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मोदी के 400 वाले दावे में दम दिखता है या फिर विपक्ष अपनी ताकत दिखाकर उन्हें अपने मिशन से डिरेल करने में कामयाब हो जाएगा। दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। पीएम मोदी ने एनडीए 400 पार का लक्ष्य रखा है और बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट किया है। ये तभी मुमकिन होगा जब विपक्षी दलों की सीटें कम होंगी। यही वजह है कि पीएम मोदी अपनी हर रैली, हर संबोधन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सीधे निशाने पर ले रही है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ, एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। पीएम मोदी से पहले अमित शाह ने भी राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम विपक्षी दलों को परिवारवाद के मोर्चे पर घेरा। अगर मुझे कोई कहे कि इंडिया अलायंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को है। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक है तो दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों के बीच सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, बार बार नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है। राहुल के चुनावी साथी भी बीजेपी के नारे को खोखला बता रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट तो 300 सीट जीतने की चुनौती दे रहा है। 400 पार का रेजोल्यूशन पास करेगा, लेकिन उनको 200 सीट भी नहीं मिलने जा रही है। इसलिए तो कमलनाथ को तोड़ो, अजीत पवार को तोड़ो, नीतीश कुमार को तोड़ो, वो हमारे लोगों को, अरे को जयंत चौधरी को तोड़ो। अगर मोदी जी के लीडरशिप में इतनी ताकत और इतना तेज है ना,
तो आपने खुद के ताकत पर 400 सीट के 300 सीट जीत कर दिखाइए। फिलहाल चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है, लेकिन उससे पहले सरकार और विपक्षी दलों ने अपने तरकश से तीर निकाल लिए हैं। वार धारदार हो रहा है, लेकिन इसका असर मतदाताओं पर कितना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका खुलासा नतीजों के दौरान ही होगा। अब की बार 400 बार। अब की बार